Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Niaz Stitching and Painting. तो फाइनली हमारे फ्लावर बोर्ड पेंटिंग का सेकेंड पार्ट भी आ चुका है और मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बोर्ड दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला फ्लावर बनाने के लिए मैंने इतना सा मॉव कलर फील कर दिया, फिर इस तरह से उसी कलर से हम शेडिंग डाल देंगे और फिर बस मिक्स कर देना है। और नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए भी मैं इस तरह से शेडिंग डाल रही हूँ। फिर हम वाइट से शेडिंग डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट फ्लावर पे। तो नेक्स्ट फ्लावर को बनाने के लिए मैंने इसमें पहले रेड कलर फील किया है और साइड से स्पेस छोड़ दिया है और फिर वाइट और रेड कलर से स्ट्रोक बना लेंगे और फिर हम पेंट करेंगे। तो अब हम बनाएंगे थर्ड फ्लावर। तो इस फ्लावर में भी मैंने पहले उसी तरह से कलर को फील कर लिया है जिस तरह से मैंने सेकंड फ्लावर को किया था। इसमें ग्रे कलर फील कर लेंगे और फिर वाइट और ग्रे कलर से स्ट्रोक बनाएंगे और फिर पेंट करेंगे।
और इसी मेथड से हम इसके बर्ड्स को भी बना लेंगे। अब ये फ्लावर्स का सेंटर बनाने के लिए मैंने पहले राउंड ब्लैक कलर से डॉट डॉट डाल दिया है बिल्कुल सेंटर पे, और वहीं से शेडिंग डाल देना है। अब हमने जो राउंड बनाया था उसके सेंटर में हम येलो गोल्डन येलो कलर फिल कर देंगे और थोड़ा वाइट भी डाल देंगे। अब ये ब्लू वाले फ्लावर का सेंटर बनाने के लिए मैंने पहले उसमें वाइट कलर डाला है बिल्कुल थोड़ा सा, फिल नहीं करना है पूरा, और फिर ऊपर से गोल्डन येलो कलर डाल देंगे। ये ग्रे वाले फ्लावर का सेंटर हमने हाफ फिल किया था और नीचे में हम उसके ब्राउन कलर डाल देंगे, हाफ गोल्डन येलो और हाफ ब्राउन कलर। इस फ्लावर के सेंटर में भी हम ब्लैक कलर से शेडिंग डाल देंगे और फिर उस पर गोल्डन येलो से डॉट डॉट डालेंगे और वाइट कलर से भी डॉट डॉट डालेंगे। तो सारे फ्लावर का सेंटर हमने इसी तरह से वाइट गोल्डन येलो ब्राउन कलर यूज़ करके कंप्लीट कर लिया है। और हम इन लीव्स में भी लेमन येलो कलर फील कर देंगे। तो फाइनली हमारा ये फ्लावर बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और मैंने इस पर वाटर ड्रॉप्स भी डाला है और मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।